आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें उत्तराखंड से भाजपा के करीब 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके तहत ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। आने वाले 100 दिनों में लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से देश भर के 6 करोड़ युवाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से जो आह्वान रहा है कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर के, जिस पार्टी ने, जिस नेतृत्व ने कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने का काम किया, देश की 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को 370 के बहुमत के साथ, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम श्रद्धांजलि देंगे और 370 के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 में सीटें हासिल करेगी और जो एनडीए गठबंधन है वो 400 के संख्या के साथ देश में एक नई सरकार बनाने का जनमत प्राप्त करेगा। आगामी जो 100 दिन हैं, उन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, संगठनात्मक तैयारियां हैं, उन सब कार्यों को पूरा करेगा और आने वाले 100 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभियान चलने वाले हैं, चाहे वो देश भर में चलने वाला लाभार्थी संपर्क अभियान हो, जिस लाभार्थी संपर्क अभियान के माध्यम से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 6 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने का उसने लक्ष्य रखा है।